जय श्री राम सभी दोस्तों को, मेरी प्यारी YouTube फैमिली को, और आप सभी लोग जानते हैं आज है 22 जनवरी और आज क्या है सभी जानते हैं। इसी मौके पे बहुत से लोग हैं जो अयोध्या में जाके इस चीज़ को सेलिब्रेट करेंगे, उत्सव मनाएंगे, लेकिन सभी जा नहीं पाते, ऐसी किस्मत नहीं होती। लेकिन हमारे गाँव में ही, गाँव के आसपास में ही कुछ स्कूल्स होते हैं। हमारे गाँव के पास में ही एक स्कूल है सज्जन बजाज जी ट्रस्ट के द्वारा, और उसी में हम सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो सबका स्वागत है, जय श्री राम। श्रीमान दिनेश जी पारिक, आप तमाम को आमंत्रित करता हूं, आप आए और इस विद्यालय की उन प्रतिभाओं को सम्मानित करने का आज का एक प्रथम सत्र का, ऐसे बेटे और बेटी जिन्होंने अपने प्रतिभा के दम पर लोहा मनवाया और अपने बहुत ऊंचे मुकाम स्थापित किए। इसके 96% अंक प्राप्त किए। खुशकिस्मत है जिनके ऐसी बेटियां होती हैं। इस बालक के भी 95% अंक प्राप्त किए। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। एक छोटा सा बेटा जिसका हौसला पहाड़ से भी बड़ा है, जो कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति रही हो, वो रोज इस विद्यालय में आता है। आता है और वो संदेश है वसुधैव कुटुंबकम का, वह संदेश है सर्वे भवन्तु सुखिना का, वह संदेश है कृणवंतो विश्वमाद्यम का, वह संदेश है वयम राष्ट्रे जागरयाम पुरोहिता का, यानी कि हम राष्ट्र में जागते रहें और राष्ट्र निर्माण में हम संलग्न रहें। आज इतिहास लिखा जा रहा है, सप्तपुरियों में सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में
दिव्य भव्य नव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री संकल्प ले रहे हैं। ये संकल्प है उन हुतात्माओं के लिए, ये संकल्प है उन बलिदानियों के लिए, ये संकल्प है उन राम भक्तों के लिए, ये संकल्प है भारत भारतीयों के लिए, ये संकल्प है सनातन संस्कृति के लिए, ये भारत के जगत गुरु स्वरूप का भी संकल्प है। हम मंदिर भव्य बनाएंगे और आज सौगंध के पूरा होने का दिन। ये जो पंच बाण है, पंच बाण न होने से, ये संजीवनी योग और लग्नेश मंगल में होने से नवमेश गुरु की परंपरा दृष्टि होने, मेरे को लग रहा है काफी मात्रा में। जय श्री नारायण, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। साइड में होकर बताता हूँ आपको, पहले के मुकाबले काफी ज्यादा भीड़ बढ़ी जा रही है और लाइव प्रोग्राम जो है यहाँ पे एलईडी में दिखाया जा रहा है। साथ ही साथ एक चीज और नोटिस की मैंने, यहाँ पे बच्चों में जो जोश जो लगा हुआ है बहुत ही ज्यादा है और मेरे में तो आप देख सकते हो, मैं तो वीडियो बनाने बिजी हूँ, साथ में श्री राम जी की भक्ति भी करता हूँ मैं। और ये देखो भाई, आ जाओ दिखाता हूँ आपको। और वो पीछे जो है उनके गार्जियंस बैठे हैं, यहाँ भी सभी बच्चे बैठे हैं और उनके पीछे भी गार्जियंस बैठे हैं और ये जो है पूरे स्टाफ है, उनकी वानर सेना। मैं सभी बच्चे अपने स्थान पर रहे। पूरी दुनिया 500 वर्षों से इसका इंतजार कर रही थी, एक ऐसा ऐश्वर्य पल। पूजा अर्चना विधिवत मंत्रों तल के साथ की जा रही है। सभी बच्चों में आप जुनून देख सकते हैं भाई। तो गाइस हम तो खाना खाने वाले, हमारे मोनू भाई और पृथ्वीराज जी भाई के साथ, और आप बच्चे जो देख रहे हो उनके लेसर लगते होंगे तो उनको बुला के लाते हैं और जब तक मोबाइल चार्ज लगा देते हैं। गाइस अभी पता चलता है कि सुबह जो लोग बैठे थे, जो लोग फॉर्मेलिटी कर रहे थे उनका अलग ही पता चल रहा है, जो सत में भाषण सुनना चाह रहे हैं उनका भी अलग ही पता चल रहा है। ये देखो, ये जो जो बूढ़े लोग बैठे हैं, लगभग 95% बूढ़े लोग बैठे हैं और यंग जो है घूम रहे हैं, खाना खा रहे हैं, हंसते से वो सुन रहे हैं इनके भाषण मोदी जी के। और हमारी पार्टी उधर बैठी है। वैसे मैं भी कुछ भाषण में ज़्यादा वो नहीं रखता, इंटरेस्ट नहीं रखता, तो मैं भी जाके बैठने वाला हूँ। और अभी जो है सोनू जी सर है, अच्छे फ्रेंड बने हमारे, तो मैं तो उनको सर नहीं बोल सकता कि फ्रेंड बने मेरे। और अभी उनकी फोटो वगैरह खींची है, बैठ के उनको पहले फोटो भेजते हैं और वहाँ पर बैठ के हम अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं। तो वो धमकियाँ दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि यदि ग्रुप से अलग हुए तो शोभा यात्रा पहले आपकी निकाल दी जाएगी, मुर्गा बना दिया जाएगा। तो डराना गलत बात है, वैसे बोल रहे हैं लड़के लड़कों के ग्रुप में, लड़कियां लड़कियों के ग्रुप में। एकदम फ्लो वाला गाना लगा दिया।
हमारे सोनी जी मुझे लगता है थोड़ा विराम करेंगे। हम आ गए हैं बस में। बोलो जय श्री राम। हर महादेव की जगह जय श्री राम से गूंज रहा है। शहर बनारस ही क्यों, पूरा देश जय श्री राम की पुकार से गूंज रहा है और गूंजना भी चाहिए। आप भी अयोध्या चलने की तैयारी कर लें।